तो साथियों, अगर आप अपने स्नैपचैट पर फ्रेंड हिस्ट्री को निकालना चाहते हो, मतलब कौन से आपके ऐसे फ्रेंड हैं जिन्होंने आपको अनफ्रेंड किया हुआ है, फिर आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, या फिर वहां से आपके फ्रेंड की साइट से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, वो सारी की सारी हिस्ट्री फ्रेंड्स के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे आपको निकालना है। बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीका होता है, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है, तभी जाके आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगा, अदरवाइज आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर दोगे। सबसे पहले आपको करना क्या है साथियों, कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको आपके स्नैपचैट पर आ जाना है। चलिए हम लोग यहाँ पे स्नैपचैट पर आ जाते हैं। स्नैपचैट पर आने के बाद आपको यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा सेटिंग का ऑप्शन, सिंपली आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करोगे, सबसे नीचे को स्क्रॉल डाउन कर देना है, यहाँ आपको ऑप्शन आ रहा होगा माई डेटा का, माई डेटा पर सिंपली आपको एंटर कर जाना है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे क्योंकि ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, कोई इशू नहीं है साथियों, आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ, स्टेप वाइज बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, फ्रेंड्स की हिस्ट्री निकालनी है, यानी कि आप ये पता लगाना चाहते हो कि किस बंदे ने मुझे अनफ्रेंड कर दिया है और किस बंदे ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। प्रॉपर तरीके से आज की वीडियो इसी पर है। तो यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे, आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। यूजर इन्फॉर्मेशन में आप लॉगिन हिस्ट्री भी निकाल सकते हो, स्नैपचैट प्लस हिस्ट्री भी निकाल सकते हो, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा फ्रेंड्स का। तो साथियों आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, यानी ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके रखना है, तभी जाके आप अपनी फ्रेंड हिस्ट्री निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं सभी को अनसिलेक्ट कर देना है, मतलब डिसलेक्ट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। क्या करना है फ्रेंड, नेक्स्ट करना। चलिए हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपसे पूछ रहा है कि भाई आप कौन सी मेल आईडी पर अपनी हिस्ट्री को लेना चाहते हो। तो यहाँ आप अपनी मेल आईडी एडिट भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप कोई अपनी जो अभी प्रेजेंट में जो मेल आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेल आईडी भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके आगे अब आपको यहाँ पे टाइम पीरियड सिलेक्ट करना है, भाई कब तक की हिस्ट्री आपको चाहिए। तो यहाँ ऊपर दिख रहा होगा आपको लास्ट वीक की चाहिए, लास्ट मंथ की चाहिए, या लास्ट ईयर की चाहिए, कब तक की चाहिए आपको। तो यहाँ आपको प्रॉपर तरीके से एक बार सिलेक्ट कर लेना। जैसे मान लीजिए मुझे लास्ट वीक की चाहिए, तो भाई मैं लास्ट वीक पे सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं लास्ट वीक पे सिलेक्ट कर लूँगा तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो आपके डेज हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना साथियों, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना। सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी जो हिस्ट्री है वो रिकवर होना शुरू हो जाएगी। जो डिलीट हिस्ट्री है, जो कुछ भी हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने एप्लीकेशन में से हिस्ट्री को डिलीट कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी की सारी आपको मेल के जरिए पहुंच जाएगी। यहाँ आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे आओगे अपने प्रॉपर तरीके से, जैसे माई डेटा पर आप जैसे ही आओगे यहाँ पे, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्या, डेटा रिसीविंग का। यहाँ पे आपको क्या करना, प्रोसेसिंग का डेटा दिख रहा होगा आपको, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे मेरा ऑलरेडी क्या हो चुका है, एक्सपोर्ट हो चुका है। हालांकि ये आप देख पा रहे हैं कि ये मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ, कल कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना। जैसे आप सबमिट कर दोगे तो यहाँ आपको प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके बाद आपको थोड़ा टाइम वेट कर लेना है, 5 मिनट 10 मिनट, जितना भी आपका जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा आपको वेट करना पड़ेगा, यानी जितने लंबे समय की आप हिस्ट्री निकाल रहे होगे उतने ज़्यादा आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे आप 1 हफ्ते का निकाल रहे हो तो यहाँ पे मुश्किल से आपको 2 से 4 मिनट वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेट कर लेना है। वेट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे सी एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे वो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है, यानी उनके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में कुछ भी नहीं होता है, मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, वो डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ आपको परेशान नहीं होना है, जो मेल आईडी आपने यहाँ पे दी हुई थी उस मेल आईडी पर आपको आ जाना है, कोई इशू नहीं है, मेल आईडी पर आ जाइए। जैसे आप मेल आईडी पर आओगे तो आपको एक मेल आया हुआ होगा पहले से ही, आप देख पा रहे हैं टीम स्नैपचैट करके, यहाँ आपको दिख रहा होगा क्या, डाउनलोड माय डेटा। इस तरीके से आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप डाउनलोड माय डेटा पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट स्नैपचैट की ओपन होके आ जाएगी। यहाँ आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन कर देना है, यहाँ अब आपको ऑप्शन आ रहा होगा क्या, अकाउंट snapchat.com, सिंपल तरीके से आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड द्वारा से मांगा जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे साथियों तो वहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा आपकी हिस्ट्री का। तो जैसे आप हिस्ट्री का डाउनलोड क्लिक कर लोगे
उसके बाद सारी के सारी जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से अलग अलग फोल्डर में अपनी अलग अलग इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री को फाइंड आउट कर पाओगे। मतलब अलग फोल्डर में फ्रेंड्स का एक अलग फोल्डर बन जाएगा, वहाँ आप ये फाइंड आउट कर पाओगे किस बंदे ने आपको कब अनफ्रेंड कर दिया है, किस बंदे ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, बहुत प्रॉपर तरीके से आप ये फाइंड आउट कर पाओगे। तो साथियों इस तरीके से आप अपनी फ्रेंड हिस्ट्री को निकाल सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।